हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक। आज आपका टॉपिक है वर्ड पावर 7। फिर से वही प्रोसेस, इन 10 वर्ड्स को लर्न करने के लिए अपना वही एटमोलॉजी, निमोनिक और माइंड मैपिंग पे काम करना है। प्लस हमें सारे वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझने हैं और इनके यूजेस भी करने हैं। आपका पहला वर्ड आपका है एनालॉजी। अब देखिए, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब होता है समानता। तो एनालॉजी होता है सिमिलरिटी कहलाता है, समानता कहलाता है, या इसका हम एक और मीनिंग कर सकते हैं कंपैरिजन। CompariSON, सिमिलरिटी कंपैरिजन समानता कहलाती है, एनालॉजी कहलाता है। एनालॉजी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। और इसका एडजेक्टिव बन जाएगा एनालॉगस। क्या बन जाएगा? एनालॉगस इसका बन जाता है एडजेक्टिव। यूज कैसे करेंगे? देयर इज नो एनालॉजी बिटवीन राम एंड रावण। राम और रावण में कोई एनालॉजी या सिमिलरिटी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आपका है एनार्की। एनार्की मतलब होता है अब्सेंस ऑफ कमेंट। ABSENCE, अब्सेंस ऑफ कमेंट। GOVERNMENT। एनार्की का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ कमेंट, सरकार का ना होना। या कह सकते हैं लॉलेसनेस। लॉलेसनेस मतलब होता है अराजकता। तो लॉलेसनेस, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एनार्की कहलाता है। अब एनार्की बनाया कैसे गया? यहां पर एक रूट है आर्की। और दोस्तों याद रखिएगा, आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट या सरकार, और जहां पर एन आ जाता है, एन का मतलब हो जाता है नॉट। तो मीनिंग हो जाता है नॉट गवर्नमेंट, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का ना होना एनार्की कहलाता है। और एनार्की का अपोजिट हो जाता है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ किंग और क्वीन, राजा रानी की सरकार मोनार्की कहलाता है। अब देखिए, एनार्की का वैसे तो पॉलिटिकल रूल भी होते, पॉलिटिकल यूजेस भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा सिर्फ हम इसको पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं। सपोज अगर किसी राज्य में सरकार नहीं है, कोई राजा नहीं है या कोई शासक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि देर इज एनार्की। लेकिन कभी कभी अगर क्लासरूम में टीचर नहीं होते हैं तो बच्चों शोर शराबा करने लगते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ टीचर देर वॉज एनार्की इन द क्लास। नेक्स्ट वर्ड आपका है एनिक्डोट। एनिक्डोट का मतलब होता है इंटरेस्टिंग स्टोरी। INTERESTING, इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब होता है रोमांचक कहानी। एक ऐसी कहानी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो या बहुत ही रोमांचक हो, दैट इज कॉल्ड द एनेक्डोट कहलाता है। अब एनेक्डोट को यूज कैसे करेंगे? नाउन है। वी ऑल लव टू लिसन एनेक्डोट्स। हम सब एनेक्डोट्स को सुनना पसंद करते हैं। थोड़ी सी अगर हम इसको लर्न करने के लिए माइंड मैपिंग करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहां पर एक वर्ड मिल गया एनी। सोचो एक एनी लड़की है, और मान लो कि डोट मीन्स कहानी होता है, तो एक माइंड मैपिंग कर लीजिएगा, एनी की डोट, एनी की स्टोरी, एनी की कहानी एनेक्डोट थी, इंटरेस्टिंग थी, रोमांचक थी। अगला वर्ड आपका है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है एगोनाइजिंग, फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल और मेंटल पेन। इसका मतलब होता है मानसिक या शारीरिक दर्द या कष्ट, एंग्विश कहलाता है। मानसिक दर्द, मानसिक कष्ट क्या कहलाता है? एंग्विश। इसको यूज कैसे करेंगे? जैसे कि नाउन है, यूज कर लीजिएगा कि
माई फ्रेंड रोमी वर्क एज ए नर्स इन द हॉस्पिटल बट सी लैक्ड एंग्विश फॉर द पेशेंट्स। यानी कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल में उसने काम किया लेकिन पेशेंट के लिए उसके पास एंग्विश नहीं था, मानसिक दर्द कष्ट नहीं था। दूसरा हम यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंट टाइम्स ड्यू टू दिस कोविड 19 मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम एंग्विश। यानी कि लोग यहाँ पर इस कोविड 19 से की वजह से एंग्विश यानी कष्ट या दर्द से पीड़ित हो रहे हैं। नेक्स्ट वन आपका है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है रिसेंटमेंट, RESENTMENT, रिसेंटमेंट कहलाते हैं, नाराजगी कहलाता है। या हम कह सकते हैं हॉस्टिलिटी, HOSTILITY, या कह सकते हैं इलविल। तो दोस्तों इसका मीनिंग हो जाता है रिसेंटमेंट, हॉस्टिलिटी, इलविल, नाराजगी या दुश्मनी, क्या कहलाता है? एनिमोसिटी कहलाता है। अब देखिए एनिमोसिटी बनाया कैसे गया, यहां पर एक रूट है एनिम और एनिम का मतलब होता है एंगर और टीवाई से नाउन बन जाता है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा स्टेट ऑफ एंगर, एक ऐसी अवस्था जब हमारे और आपके बीच में एंगर हो तो दिस इज कॉल्ड द एनिमोसिटी कहलाती है, नाराजगी कहलाती है। हम यूज कर सकते हैं कि देयर इज बिटर एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही खतरनाक एनिमोसिटी है, नाराजगी है, गुस्सा है। अगला वर्ड एनमली। एनमली का मतलब होता है एबरेशन, ABERATION, एबरेशन कहलाता है। या कह सकते हैं डेविएशन, DEVIATION, या कह सकते हैं इरेगुलरिटी, IREGULARITY। तो एबरेशन, डेविएशन, इरेगुलरिटी कहलाता है एनमली कहलाता है, अनियमितता कहलाता है। एनमली का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, तो ये होता अनियमितता। अब देखिए अनियमितता क्या कैसे होती है, इसको हम कह सकते हैं ऑफ कोर्स हो जाना। जैसे कि अगर हम कोई ऐसा काम करें जो रेगुलर नहीं है तो वो एनमली कहलाता है, डेविएशन कहलाता है, इरेगुलरिटी कहलाता है। सपोज अगर कोई मकान हम ऐसा देखें जिसमें छत ना हो तो दैट इज द एनमली ऑफ द हाउस। यह कह सकते हैं कि इन प्रेजेंट टाइम्स मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर फेसिंग एनमली बिकॉज दे आर लॉकडाउन, तो वो क्या है एनमली हो रही है, इरेगुलरिटी हो रही है, वो अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। और एनमली का नाउन एडजेक्टिव बन जाता है एनमलस, और एनमलस हो जाता है इरेगुलर। जैसे इफ आई एम फेसिंग एनमली देन आई एम एन एनमलस पर्सन, कैसा कहलाऊंगा? एनमलस। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट, PRECEDENT, प्रेसिडेंट। यह कह सकते हैं अर्लियर एग्जाम्पल, EARLIER, अर्लियर एग्जाम्पल होता है पूर्व का उदाहरण। तो एंटीसीडेंट होता है प्रेसिडेंट कहलाता है, अर्लियर एग्जाम्पल कहलाता है, पूर्व का उदाहरण कहलाता है। दोस्तों एंटीसीडेंट का मतलब फोर फादर्स भी कह सकते हैं, जैसे अवर फोर फादर्स आर अवर एंटीसीडेंट, हमारे एंटीसीडेंट है। या होता क्या है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है ये कभी कभी जो डिसीजन देता है वो एंटीसीडेंट के आधार पर होता है। कभी कभी कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है जो ये तय करता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट इस केस में ऐसा डिसीजन दे चुका है, तो उसको आधार मानते हुए उसी तरह का डिसीजन देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट कहलाता है। दोस्तों बनाया कैसे गया, एंटी का मतलब होता है बिफोर और सेडेंट का मतलब होता है हैपेंड, ये हो जाता है हैपेंड बिफोर, जो घटना पहले घटित हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट कहलाता है, पूर्व का उदाहरण कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है फर्म डिसलाइक, FIRM, फर्म डिसलाइक। फर्म डिसलाइक का मतलब होता है घृणा। एंटीपैथी क्या होता है, फर्म डिसलाइक, घृणा कहलाती है। इसे हम हेटेड कह सकते हैं, HATRED, हेटेड कहलाते हैं। तो फर्म डिसलाइक, हेटेड, घृणा,
एंटीपैथी कहलाती है। अब देखिए, आपको पीछे पढ़ाया गया है एक वर्ड होता है सिंपैथी, एक वर्ड होता है अपैथी और एक होता है एंटीपैथी। तो दोस्तों होता क्या है, पैथी का मतलब होता है फीलिंग और एंटीमीस होता अगेंस्ट, अगेंस्ट फीलिंग। जब हमारी और आपकी फीलिंग अगेंस्ट होती है तो हमारे और आपके बीच में एंटीपैथी होती है, डिसलाइक होती है, घृणा होती है। सिंपैथी होता है, इसका अपोजिट हो जाता है सिंपैथी। अपोजिट क्या बन जाएगा इसका, सिंपैथी। और सिंपैथी का मतलब हो जाता है सहानुभूति, यानी अगर हमारी और आपकी फीलिंग सेम है तो वो सिंपैथी कहलाता है, सहानुभूति कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड आपका है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है डायरेक्ट अपोजिट। डायरेक्ट अपोजिट का मतलब होता है ठीक विपरीत, OPPOSIT, ठीक उल्टा, डायरेक्ट अपोजिट एंटीथेसिस। जैसे माई सिस्टर्स संध्या एंड प्रीति आर एंटीथेसिस, एंटीथेसिस हैं, अपोजिट हैं, वेयर बिकॉज देयर इंटरेस्ट आर डिफरेंट, देयर टेस्ट आर डिफरेंट। तो इस तरह से अगर कोई दो लोग, जैसे हम कह सकते हैं कि मैं आई एंड माई कजिन आर एंटीथेसिस बिकॉज आई लाइक वॉचिंग मूवी एंड ही लाइक वॉचिंग या प्लेइंग क्रिकेट मैच। ये क्या कहलाता है, एंटीथेसिस कहलाता है, डायरेक्ट अपोजिट कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है और आज का लास्ट वर्ड है अपार्टहाइट। अपार्टहाइट का मतलब होता है रेसियल सेग्रीगेशन, RACIAL, रेसियल सेग्रीगेशन, SEGREGATIO। रेसियल वर्ड रेस बनाया गया, रेस में जात होता है और सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। इसका मीनिंग हो जाता है रेसियल सेपरेशन, जाति भेदभाव, नस्ली भेदभाव। दोस्तों साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा नस्ली भेदभाव था गोरों और कालों के बीच में। वहां के पूर्व प्रेसिडेंट मंडेला जी ने, नेल्सन मंडेला जी ने बहुत लड़ाई लड़ी और उस रेसियल सेग्रीगेशन को, अपार्टहाइड पॉलिसी को ख़त्म किया और उनकी फिर पॉपुलरिटी इतनी बढ़ी कि उनको वहाँ पर नोबेल प्राइज मिला उसके लिए और वहाँ के प्रेसिडेंट बने। तो ये सब कहलाता है जाति भेदभाव, अपार्टहाइड पॉलिसी। यूज कैसे करेंगे, इसको लर्न कैसे करेंगे, अपार्ट का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना। अपार्ट क्या कहलाता है, सेपरेट। और हेड मीन्स यहाँ पर मान लीजिए ये वाला हेड, तो एक माइंड कर लीजिएगा कि हेड को, यानी कि ये ब्लैक हेड है, ये व्हाइट हेड है, तो अलग अलग हेड को अलग करने की नीति क्या कहलाती है, अपार्टहाइड पॉलिसी, जाति भेदभाव। हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वॉज एन अपार्टहाइड पॉलिसी इन इंडिया बिटवीन द इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स। भारतीय और ब्रिटिश के लोगों के बीच में क्या था, जाति भेदभाव था, अपार्टहाइड पॉलिसी कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स समझ आ चुके होंगे। ऐसे ही आपके पास और सीरीज आती रहेंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद।